कुछ लोगों को सर्दी 12 महीने तक रहती है। वह कई तरह तरह के उपचार भी करवाते हैं, लेकिन उनको आराम नहीं पड़ता है। तरह तरह के नुस्खे भी अपनाते हैं। यदि आप भी लंबे समय से सर्दी की बीमारी से परेशान हैं, तो आप यदि प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति अपनाते हैं, तो आपको मात्र 7 दिन में बरसों पुरानी सर्दी से आराम मिलेगा। आपको 7 दिन तक इस पद्धति का पालन करना है। लोकल 18 की टीम को प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र प्रभारी 20 साल का अनुभव रखने वाले दीपक कापड़िया ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्व गायत्री परिवार की ओर से खड़कोद में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से उपचार किया जाता है। आपकी बरसों पुरानी सर्दी की समस्या भी 7 दिन में समाप्त तो हो जाएगी। आपके यहाँ पर आने से नैतिक क्रिया कुंजन क्रिया कराई जाती है, जिससे आपकी सर्दी और जुकाम दोनों में आराम पड़ता है। इस शिविर को करने के लिए आपको कोई अधिक राशि नहीं चुकाना है। आप पर लगने वाला खर्चे ही आपसे लिया जाता है। संस्था का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वस्थ करना है, पैसा कमाना नहीं है। प्रत्येक माह में 1 से 7 तारीख तक और 21 से 28 तारीख तक केंद्र पर शिविर लगता है। यहाँ पर यदि आप भी शिविर करना चाहते हैं, तो आपको केंद्र पर पहुँचकर आधार कार्ड और आपके मोबाइल नंबर और नाम से पंजीयन कराना है, जिसके बाद आपको 7 दिन तक शिविर में के माध्यम से किराए कराई जाएगी, जिससे आपकी बरसों पुरानी सर्दी की बीमारी भी समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर सीखने के बाद आप अपने घर परिवार के लोगों को भी यह किराया करा सकते हैं, जिससे उनको भी आराम मिले। बार बार किसी को सर्दी हो रही है और बहुत परेशान हो गए दवाई गोली से भी, तो क्या प्राकृतिक चिकित्सा में क्या उपाय है कि उनको क्या चीजें करना चाहिए? सर्दी का बहुत ही इसमें बहुत अच्छा इलाज है, नेति क्रिया हम लोग करवाते हैं। नेति के माध्यम से जितनी भी सर्दी होती है वो बाहर हो जाती है। दूसरा उसमें कुंजन क्रिया होती है, वमन जिसको बोलते हैं, वमन के माध्यम से भी हमारे जो कफ वगैरह छाती में जमा हो जाता है वो अब साफ हो जाता है। आपको ध्यान होगा केजरीवाल को ठसके लगते थे, वो केजरीवाल को जो ठसके लगते थे वो थोड़ी नहीं होते थे, फिर मोदी जी ने उनको सलाह दी प्राकृतिक चिकित्सा की और उन्होंने जिंदल में प्राकृतिक चिकित्सा करवाई, वहाँ वमन के माध्यम से उनकी खांसी ठीक हुई है। क्या घर पर यदि कोई उपाय करना चाहता है कर सकता है? बिल्कुल, एक बार यहाँ सीख कर अपना डॉक्टर स्वयं बन सकता है, फिर अपना पूरा इलाज वो स्वयं भी कर सकता है और अपने परिवार को भी प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से स्वस्थ रख सकता है। क्या खाने पीने में कुछ ध्यान रखना? खाने पीने में संयम तो सबसे पहले आवश्यकता है। किन चीजों का सेवन नहीं करना पड़ता है? जो तो सब लोगों को प्रायः मालूम ही है कि कौन सी चीजें स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहती है, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल रूप में प्राकृतिक चिकित्सा करता है और उसको ऐसे आहार दिए जाते हैं जो स्वादिष्ट भी होते हैं और नुकसान भी नहीं करते, तो फिर वो चीजों को अपनाकर घर में वो चीजें वो लागू कर लेता है।